आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A16 जो कि आपको 19,000 के अंदर 6 साल के अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस फोन का अनबॉक्सिंग और एक पूरा रिव्यू शेयर करने वाला हूं। तो इस फोन के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले MS20 के फोन वाले शॉप को थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने आपके भाई को यह फोन प्रोवाइड करके दिया है। बाकी जान लेते हैं कि शॉप पे इस फोन के ऊपर क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं। यह है सैमसंग का A16 5G जो 19,000 का है, जिसके ऊपर आपको 1,000 कैशबैक मिलेगा। सैमसंग में फर्स्ट टाइम 20,000 के अंदर आपको 6 OS अपडेट, 6 सिक्योरिटी अपडेट मिल रहे हैं। सबसे पहले करी जाए क्विक अनबॉक्सिंग। बॉक्स को जिस तरीके का मिल जाएगा, व्हाइट थीम के ऊपर बॉक्स मिलता है। बॉक्स के पीछे कुछ जरूरी चीजें लिखी गई है, चलो बॉक्स को फटाफट से ओपन करेंगे। ओपन करते ही एक और बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर सिम एडिशन टूल, टाइप सी टू टाइप सी केबल और कुछ जरूरी कागजात। बाकी ये रहा फोन। फोन को बाहर निकालते हैं, बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है। चलो अब आते हैं फोन के ऊपर। फोन तो भाई पीछे से सेम S23 की तरह ही दिख रहा था, लेकिन बैक में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। फ्रेम्स भी आपको प्लास्टिक के मिलेंगे, लेकिन पावर और बटन की तरफ थोड़ा सा एलिवेटेड डिजाइन के अंदर है, तो एक अलग सा कंफर्ट ये फोन प्रोवाइड करता है। बैक काफी ज्यादा ग्लॉसी होने के कारण आपको फिंगरप्रिंट स्मचेस इस फोन के अंदर काफी ज्यादा मिल जाएंगे। बिना कवर के इस फोन को यूज कर ही नहीं सकते। पहली बार सैमसंग ने ए सीरीज में कोई IP रेटिंग्स प्रोवाइड किया है। इस फोन के अंदर IP54 की रेटिंग्स मिल जाएगी। डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस ये फोन आपको मिलेगा। 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद थिकनेस आपको यहाँ पर 7.9 mm की मिल जाएगी और वेट आपको 192 ग्राम का मिलेगा। ज्यादा हैवियर साइड पे फोन आपको नहीं मिलता और यहाँ पर इन हैंड फील भी इस फोन का आपको अच्छा मिल जाएगा। इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर है तो साउंड क्वालिटी आपको नॉर्मल सही मिलेगा, लेकिन डुअल माइक का सपोर्ट है तो कॉल क्वालिटी बढ़िया होगी। हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो एक मेमोरी कार्ड, एक सिम कार्ड या फिर दो सिम कार्ड एट अ टाइम यूज कर सकते हो। अब फोन को सामने से देखा तो फोन तो थोड़ा आउटडेटेड लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटरप्रूफ नॉच की डिस्प्ले मिलती है। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको यहाँ पर वाटरप्रूफ नॉच मिले। अभी कॉमनली 12,000 से 13,000 के अंदर भी अदर ब्रांड आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। यूट्यूब में 2K फिर 60 FPS का सपोर्ट है। वीडियो प्ले करके देखा तो क्वालिटी तगड़ी लगी। सैमसंग का पैनल है तो ना ही ज्यादा ओवर सैचुरेशन, ना ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, एकदम अर्जेस आपको क्वालिटी मिलेगा। मतलब कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन देखने में थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। और साथ में बेजल्स और चीन भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी मोटी मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी, 25 W का फास्ट चार्जिंग ये फोन साथ में लेकर आता है। देखो बैटरी बैकअप के अंदर तो कोई इशू नहीं होगा, नॉर्मल यूज के अंदर एक दिन का आराम से प्रोवाइड करेगा। लेकिन चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, सैमसंग क्लेम करता है आधे घंटे में 50% ये चार्ज कर देगा। लेकिन प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि भाई आपको 15,000 के रेंज में भी 45 W रियलमी वगैरह प्रोवाइड करता है। तो चलो अब इस फोन के कैमरे के बारे में बात करें तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जहां पर 50 MP का मेन, 5 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का कैमरा मिलेगा जो कि किसी काम का नहीं है। और फ्रंट में आपको 13 MP की सेल्फी मिल जाएगी। ये रहे कुछ कैमरे के रिजल्ट जो कि हमने इंडोर और आउटडोर दोनों में क्लिक किया है। तो इस फोन की कैमरा क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। देखो प्राइस रेंज के हिसाब से आपको एकदम डिसेंट सी क्वालिटी मिलेगी। मार्केट में इससे भी अच्छे कैमरा क्वालिटी देने वाले फोन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे अदर ब्रांड्स के, लेकिन आपको एक डिसेंट सी फोटोज मिल जाएगी। मतलब अगर कहीं ओकेजन वगैरह पे फोटो क्लिक करना है, थोड़े बहुत वीडियो कॉल वगैरह कर लिए, उसके लिए ये कैमरा आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी वीडियो कॉन्फिगरेशन मैक्सिमम 1080p विद 30 FPS के, तो चलिए कुछ सैंपल्स आपके साथ में शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का A16 5G, जहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD 30 FPS में, और इससे ज़्यादा सपोर्ट है भी नहीं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कि कैसे फ्रंट से मेरे मतलब लाइट आ रही है, एंड अगर मैं थोड़ा इधर देखूँ तो एक्सपोजर मेरे को कुछ ज़्यादा लग रहा है बैक, मतलब देख सकते हो कुछ ज़्यादा एक्सपोजर है मेरे को लग रहा है। तो ये बैक कैमरा है जहाँ पे सब कुछ सेम है, 1080p 30 FPS पे यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मतलब ज़्यादा मेरे को फ़र्क लग रहा नहीं है। आप देख सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं है, सामने से लाइट आ रही है। अब पिछली बार ज़्यादा एक्सपोजर था, इस बार मेरे को दिख नहीं रहा है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, 12 5G के बैंड है। 5G की स्पीड एकदम मस्त प्रोवाइड करता है। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा, साथ में फोन में NFC का भी सपोर्ट है। तो भाई कनेक्टिविटी के मामले में ये फोन पूरा पैकेज लेके आता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और अनलॉकिंग स्पीड भी अच्छी है। इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आपको MediaTek का Dimensity 6300 5G प्रोसेसर इस फोन के अंदर मिल जाएगा। नॉर्मल डे टू डे टास्क के अंदर कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम आपको 8 GB की RAM भी यहाँ पर मिलने वाली है। ऐप ओपनिंग क्लोज स्पीड हो या फिर नॉर्मल डे टू डे टास्क को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देगा। और Antutu का टेस्ट किया तो 4 lakh+ का स्कोर निकल कर आया, Geekbench का स्कोर भी आपको अच्छा मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो BGMI को कंसिडर करते हुए चलते हैं। BGMI में स्मूथ प्लस अल्ट्रा यानी कि 40 FPS की मैक्सिमम गेम
गेमिंग कर सकते हो। और मैंने कुछ गेम प्ले करके देखा तो मुझे बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लैग और जिटर मिला, लेकिन भाई इस फोन का जायरो तगड़ा है और मतलब एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस ही आपको अभी के टाइम पर BGMI प्रोवाइड करेगा। ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकता, ज्यादा बुरी भी नहीं कह सकता। ओवरऑल इस फोन के नॉर्मल यूजेज के अंदर परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस डिसेंट है। ये फोन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की वजह से पूरा हाइप हो चुका है, क्योंकि सैमसंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है 6 ईयर के OS अपडेट, 6 ईयर के सिक्योरिटी पैच वाले अपडेट। फिलहाल UI 6.0 एंड्रॉइड 14 पर रन कर रहा है, एंड्रॉइड 20 तक आपको इसमें अपडेट मिलेगा। तो भाई साहब क्या ही आपको यहाँ पर रिलायबिलिटी मिलेगी, मतलब 6 साल तक अपडेट की कोई दिक्कत नहीं, एकदम अप टू डेट, एकदम लेटेस्ट आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। और सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई भी ज्यादा आपको इशू वगैरह नहीं होगा। और सैमसंग के अपने AI के फीचर्स भी इस फोन के अंदर कुछ मिलने वाले हैं। ये फोन का बेस वेरियंट 8+128GB आपको 18999 के अंदर मिलेगा। ओवरऑल ये फोन के बारे में बात करें तो देखो, ये फोन स्टैंड करता है थोड़ा ओल्ड एज पीपल के लिए, जैसे कि मदर फादर या फिर ग्रैंडपा ग्रैंडफादर, उनको आप ये गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई उनको ऐसा ये फोन चाहिए जो थोड़ा ज्यादा लंबे तक चले। और जनरली ऐसे यूजर्स अपने फोन को थोड़ा लॉन्ग टर्म के ऊपर यूज करते हैं। तो देखो सैमसंग की रिलायबिलिटी मिल रही है, साथ में आपको सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर तगड़ा मिल रहा है, तो आप इस फोन को गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आज के हिसाब से देखा जाए तो ये फोन थोड़ा सा आपको आउटडेटेड मिलेगा, क्योंकि दूसरे ब्रांड हमको इससे भी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं इससे कम प्राइस के अंदर। तो देखो वो अदर ऑप्शन के साथ में आप जा सकते हो, लेकिन गिफ्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए ये फोन आपको बढ़िया मिलेगा। बाकी MS20 में रहते हो तो फोन वाले शॉप से इसको आप परचेस कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो के लिए, बच्चे आपको वीडियो पसंद आ गया है वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।